हेलो एवरीवन, आज की हमारी जो ये वीडियो है, ये वीडियो 12th क्लास के लिए है भाई। 12th क्लास में हमने पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उनके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम जो चैप्टर 6 है उसको शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 6, जिसका नाम द्वितीय क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण है। ठीक है, इस लेसन को शुरू करते हैं। हमने पहले प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा था। प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने यही पढ़ा था कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि वो लगभग लगभग प्रत्यक्ष रूप से या फिर हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, जिसमें हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, मछली पालन के बारे में पढ़ा, आखेट और संग्रहण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो काफी टॉपिक हम इसके काफी चीजों के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप होता क्या है। ज्यादातर तो इसमें क्या बोल दिया जाता है कि द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है, विनिर्माण जो कार्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो पहले हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए भाई, यहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से जो प्राप्त हमें जो उत्पाद होते हैं ना, जो भी उत्पाद हमें प्राप्त हुआ प्राथमिक क्रियाकलाप से, उस उत्पाद को तैयार माल में बदलने का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, कोई भी उत्पाद है, कोई भी वस्तु हमें यहां प्रकृति से प्राप्त हुई या फिर हमने खेती से प्राप्त हुई, जो भी पदार्थ है उसको क्या करना, उसको मूल्यवान बनाना। ठीक है, उसको एक ऐसा पदार्थ बना देना कि उसका आगे चल करके मूल्य बढ़ जाए। ठीक है, वो मूल्यवान हो जाए, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को हम द्वितीयक क्रियाकलाप बोलते हैं। यानी कि जहां पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है ना, वो कार्य क्या कहलाएंगे, वो सारे कार्य द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और इसीलिए इसको विनिर्माण उद्योग के साथ जोड़ा जाता है, विनिर्माण कार्यों के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि विनिर्माण के अंदर भी क्या होता है, विनिर्माण का मतलब तो होता है, शाब्दिक अर्थ आएगा कि हस्तकला, यानी कि हाथ से बनाना, किसी भी काम को हाथ से बना। जैसे हम इसमें शामिल करें, जैसे दरी बनाना है, फर्नीचर उद्योग है, ठीक है, हाथ से बनाने के खिलौने बनाने हैं, प्लास्टिक के खिलौने बना रहे हैं, या छोटे छोटे कंप्यूटर के औजार बना रहे हैं, वो सारे हाथ से बनाने के कार्य क्या है, विनिर्माण में शामिल होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसके अंदर मशीनों को भी शामिल करने लग गए हैं भाई। ठीक है ना, मशीनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब मशीनों से बनने वाले जो उत्पाद है ना, वो भी विनिर्माण के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, मशीनीकरण का युग चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उस उत्पाद को हम क्या बोलेंगे, विनिर्माण के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, हाथ से बनाना से लेकर के मशीनों से बनाने वाला। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए खेती से हमें कपास प्राप्त हुई, हमने पढ़ा है इसके बारे में। उस कपास का हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हम उसका प्रयोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कपास से क्या बनेगा, कपास से सूत तैयार किया जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है। उस धागे से फिर क्या होता है, कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर क्या होता है, वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कपास का मूल्य देख लो, फिर सूत का मूल्य देख लो या धागे का मूल्य देख लो, फिर उसके बाद कपड़े का मूल्य देख लो। जैसे जैसे ये एक निर्माण प्रक्रिया के अंदर से गुजर रहा है ना, निर्माण प्रक्रिया के अंदर से ये गुजर रहा है, तो क्या हो रहा है, साथ में इसका मूल्य भी बढ़ रहा है। ठीक है, मूल्य बढ़ रहा है, इस चीज में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो क्या हो रहा है, एक उत्पाद को हम तैयार माल में बदलने की जिस प्रक्रिया के अंदर से गुजरे हैं ना भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, हम आगे आते हैं कि जो ये विनिर्माण का जो कार्य होता है ना, विनिर्माण का ये हाथ से बनाने की प्रक्रिया से लेकर के और आजकल जो मशीनों के द्वारा जो कार्य होता है, ये क्या हो गया, ये बड़े पैमाने पर भी होने लगा। बड़े पैमाने का मतलब होता है एक बहुत बड़े स्तर पर, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया जाता है, जिसके अंदर हजारों श्रमिक काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर पूंजी जो होती है वो अधिक लगी होती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो कहते हैं और उसके अंदर उत्पादन भी जो है ना वो बहुत अधिक हो रहा है। ठीक है, कच्चे माल की खपत भी बहुत अधिक हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, उसको बोलेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग बोला जाता है। ठीक है, विनिर्माण की प्रक्रिया आप लोगों को पता चल गई है, हाथ से बनाने मशीनों के द्वारा किसी भी उत्पाद को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया विनिर्माण उद्योग के अंदर शामिल होती है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है, कहता है कि बड़े पैमाने के जो विनिर्माण जो उद्योग है, बड़े पैमाने के, ठीक है,
और आज के हैं जो आधुनिक की बात करेंगे हम, पहले वालों की बात नहीं करेंगे। कहते हैं आधुनिक जो बड़े पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण कार्य है ना, होने वाले विनिर्माण जो कार्य है, जो विनिर्माण उद्योग है, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे भाई। इसमें प्रश्न बन जाता है ये कि आधुनिक बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण कार्य हो रहा है उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि उनके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी पाई जाती हैं जो उन्हें दूसरे उद्योगों से अलग करती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कौशल का विशिष्टीकरण, ठीक है, कौशल का विशिष्टीकरण। और इसके अंदर हम अगर ओब्लिक में देखें तो यहां पर आता है उत्पादन की नई नई विधियां, यानी कि उत्पादन की विधियां भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, देखो यहां पर क्या है, पहले अगर हम तुलनात्मक पढ़े तो कहते हैं पहले जो छोटे पैमाने पर जो छोटा कार्य होता था ना, उसमें क्या होता था, उसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो श्रमिकों की संख्या यहाँ पर कम है, अलग अलग प्रकार के जो सामान तैयार करता है श्रमिक, तो उसमें कहता श्रमिक जो है ना अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा होता था उसमें, यानी कि तैयार जो माल हो रहा है कच्चे माल से उसके अंदर कहता है कि ज्यादा पदार्थ बच जाता था, खराब ज्यादा होता था, ठीक है, और तैयार माल कम बनता था। क्यों? क्योंकि एक श्रमिक है ना अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो उसका कौशल है, जो उसका स्किल है ना श्रमिक का, वो लगातार इस उद्योग में आने के बाद लगातार एक ही कार्य कर रहा है, एक जैसा काम जो है वो बार बार कर रहा है। अगर मान लो वो एक श्रमिक है और वो किसी मशीन के ऊपर बैठा है और उस मशीन का बस उसको क्या करना है, पुर्जा ही टाइट करना है, तो पुर्जा ही टाइट कर रहा है पिछले कई दिनों से, और पुर्जा टाइट करने में क्या हो गया, वो माहिर हो गया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आएगी क्योंकि बार बार हम जिस एक काम को करते हैं ना तो उसमें माहिर हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि एक जैसा कार्य यहां पर श्रमिक को करना होता है, उसमें विशिष्टीकरण यानी कि उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वो उसका मास्टर हो जाता है, वो उसका माहिर हो जाता है, और उस पदार्थ को बनाने में वो क्या है, वो बहुत ही कम चीजों को अपशिष्ट करेगा यानी कि खराब करेगा, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों की जो मात्रा होती है ना भाई वो कम हो जाती है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, गुणवत्ता आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्वालिटी बार बार हम किसी एक चीज को बनाना स्टार्ट करें, जैसे किसी ने पहले रोटी बनानी शुरू की होगी, ठीक है, तो पहले टेढ़ी रोटी आई होगी, वो जल गई होगी, लेकिन बार बार अगर वो रोटी बना रहा है तो एक समय क्या होगा, अच्छी गोल आकार की रोटी, ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार की रोटी बना दी होगी उसने, ठीक है। तो उसी प्रकार एक श्रमिक बार बार एक जैसा कार्य करता है यहां पर, और उसमें वो क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लिए उसने, ठीक है। अब दूसरी विशेषता देखो इसकी, दूसरी विशेषता कहता है यंत्रीकरण भाई, ठीक है, यंत्रीकरण यानी कि मशीनीकरण, ठीक है, मशीनीकरण। तो यहां पर कहता है, यहां पर है ना ज्यादातर जो कार्य होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है सबसे पहली बात। दूसरी बात जो इसमें है वो है स्वचालित मशीन। स्वचालित का मतलब होता है स्वयं चलने वाली मशीनें, हिंदी है ये इसकी, स्वयं चलने वाली मशीनें, स्वचालित मशीनें। अब यहां पर स्वचालित मशीन का मतलब क्या है कि बिना मनुष्य के दिमाग लगाए, यानी कि ये नहीं है कि एक मशीन यहां पर रखी हुई है, यहां पर मनुष्य खड़ा है और वो इसको चला रहा है, नहीं भाई, यहां पर क्या है इसका मतलब ये है कि मनुष्य की सोच की कोई जरूरत नहीं है, मनुष्य के दिमाग की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। वो मशीन क्या है, हम बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि उस मशीन को क्या करना है, यहां पर वो मशीन खुद स्वयं सोचेगी कि कितना पदार्थ यहां पर तैयार करना है, फीडबैक इसका क्या निकल करके आने वाला है, यहां पर अपशिष्ट पदार्थ कितना खराब हो रहा है, इसके अंदर कौन सी पदार्थ कितनी मात्रा में डालें, यानी कि मशीन खुद स्वयं ये निर्णय लेती है। तो यानी कि मशीन ऐसी बना दी है जो खुद स्वयं सोच रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर शामिल हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम कि बड़े पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण उद्योग हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें मशीनों के द्वारा कार्य होता है, और मशीनें कौन सी मशीनें होती हैं, स्वचालित मशीनें भाई, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे नए नए प्रकार के उत्पाद अच्छे प्रकार से बन जाते हैं और वहां पर मनुष्य की सोच की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नंबर तीन देख लीजिए, प्रौद्योगिक नवाचार, ठीक है, प्रौद्योगिकी है नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार को अगर हम देखें यहां पर शब्द को समझे तो कहता है टेक्नोलॉजी के अंदर जो नई नई चीजें आती है ना, नए नए जो विचार आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, नई शोध रिसर्च की बात करें, नए शोध या जो अनुसंधान होते रहते हैं,
ठीक है, कहता है उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है भाई। ठीक है, ये किसके ऊपर ध्यान देते हैं, लगातार किसी भी फील्ड के अंदर जो भी विकास हो रहा है, जो नई मशीनें आई हैं, कोई नया प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार तैयार हो रहा है, लोगों की नई डिमांड क्या है, मार्केट में नया क्या चल रहा है, तो सब कुछ ये किस पे ध्यान देते हैं, रिसर्च पर ध्यान देते हैं, उनके डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, शोध और विकास की प्रक्रिया जो लगातार चल उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा है ना, फिर जब हम कई नई चीजों को शामिल करते हैं तो क्या होगा, क्वालिटी सुधर जाएगी, ठीक है ना, गुणवत्ता में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, नई नई चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ जो बन रहे हैं, जो बच रहे थे, मान लो एक पुरानी मशीन उन्होंने यूज कर रहे हैं, पुराना तरीका यूज कर रहे हैं, लेकिन नया कंसेप्ट आया, नए कंसेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उस एक्सेप्ट करते ही क्या हुआ, जो पदार्थ पहले खराब हो रहा था वो पदार्थ अब खराब नहीं होगा, अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि किसी पदार्थ को बनाने में जो पदार्थ जो खराब हो रहा, जैसे मान लो एक व्यक्ति है वो किसी दीवार के ऊपर क्या कर रहा है, मसाला लगा करके लिपाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, किसी दीवार के ऊपर, तो वो स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे ज्यादा खराब करेगा किसको, सीमेंट को, उसके अंदर मेटेरियल जो यूज किया होता है, लेकिन अगर लगातार वो काम कर रहा है तो क्या होगा, मेटेरियल कम खराब होगा। ठीक है, उसी प्रकार कहता है कि इसके अंदर नए विचारों को शामिल करने के बाद क्या हो रहा है, अवशिष्ट पदार्थ के अंदर भी कमी आ गई है। ठीक है, उसके बाद दक्ष हो रहे हैं, दक्षता यानी कि यहां पर निपुण होता जा रहा है। ठीक है, जिस चीज के अंदर हम ये कहें कि अदक्षता में कमी हो जाएगी, जो सुधार जो है वो अच्छी प्रकार के अंदर होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रदूषण में कमी, सबसे बड़ा तो यही होता है कि नया जो पुराने जो उद्योग होते हैं ना, जो पुराने विचारों को एक्सेप्ट रखते हैं, उनकी मशीनें भी ऐसी होती है, वहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जाता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, प्रदूषण के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है भाई। ठीक है, अब उसके बाद नंबर चार भाई, सॉरी, संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, या सूत्रीकरण की बात कर ले, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहता है कि ऊपर वाले से लेकर के नीचे तक जो काम किया जाता है ना, हर व्यक्ति को एक संगठन में बांट दिया गया है। यहां पर जो कार्य हो रहा है वो संगठन के आधार पर हो रहा है। ठीक है, संगठन बना हुआ है कि ये वित्त विभाग ये संभालेगा, मशीनों का काम इसे संभालना है, इस मशीन को ये देखेगा, यहां पर अगर जो पदार्थ बन रहा है उस प्रोडक्ट को एक अगर पैकिंग करनी है, पैकिंग का कार्य यहां पर होगा, मार्केटिंग का काम ये करना है, एडवर्टाइजमेंट का काम ये व्यक्ति करेगा, यानी कि अलग अलग एक पूरा संगठन बना हुआ है। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर है ना, वो संगठन जो है उन सबको अपना अपना कार्य पता है और वो उसी कार्य को करने में लगे रहते हैं। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अपने आप में क्या होता है, वहां पर बटा हुआ होता है। ठीक है, श्रम विभाजन जिसको बोलते हैं, अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि श्रम विभाजन, कारक काम का क्या होता है, वहां पर बंटवारा हो चुका होता है कि ये व्यक्ति जो है इस प्रकार का कार्य यहां पर करने वाला है, श्रम विभाजन यहां पर हो चुका होता है। ठीक है, इसमें पूंजी जो होती है वो अधिक लगती है संगठनात्मक ढांचे के अंदर। ठीक है, अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में यहां पर क्या है कि जो यहां पर काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं ना, वो बड़ी तनख्वाह पर काम करते हैं, इनका जो सैलरी का जो पैकेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बड़ी सैलरी के ऊपर ये क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो निपुण जो कर्मचारी होते हैं, जो अपने फील्ड के जो माहिर होते हैं, वो यहां पर काम कर रहे होते हैं ऊंची ऊंची सैलरी के साथ में, और उनको पूरी सुविधाएं भी यहां पर दी जाती है। अब लास्ट रह गया, उसके ऊपर देख लेते हैं, जिससे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें नंबर पांच है अनियमित भौगोलिक वितरण भाई। ठीक है, अनियमित भौगोलिक वितरण। ठीक है, अब इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कहता है कि इस पूरे भूभाग के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस बड़े स्थल भाग के ऊपर ये मात्र 10% ही है। ठीक है, मात्र कितने हैं, 10% ही है। क्यों, क्योंकि कहता है कि जिन देशों के अंदर ये पाए जाते हैं ना, पहले ये देख लो, जिन देशों के अंदर पाए जाते हैं वहां पर आर्थिक विकास बड़े स्तर पर हुआ है। ठीक है, बड़े स्तर पर वहां पर आर्थिक विकास हुआ है, वो देश अपने आप में ये मानेगा कि वो केंद्र बन गया है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति का और आर्थिक विकास का केंद्र बन गया है। और वहां पर अब ये बात करें कि इन ये 10% पर ही क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक बड़े पैमाने पर बड़ी पूंजी का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जुटानी होती हैं, तो ये सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। और ये कहता है कि ये एक बड़ी विडंबना भी है कि देखो, अमेरिका के अंदर कहता है मक्का पेटी जो होती है ना, उसके अंदर ना मुश्किल से अगर हम बात करें तो 50
से 100 व्यक्ति जो होते हैं वो उसके अंदर काम करते हैं और उन्हीं का वहां पर भरण पोषण हो रहा है, यानी कि 2.5 हेक्टेयर के अंदर अगर लगा हुआ है, या फिर हम ये कोई भी एक जमीन का टुकड़ा ले ले और उसके अंदर जो काम कर रहा है, मक्का पेटी बड़ी बड़े क्षेत्र में लगा रखा है, मक्का का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां पर काम भरण पोषण के लिए 50 से 100 व्यक्ति। लेकिन कहता है अगर इतने बड़े क्षेत्र पर बड़े पैमाने का उद्योग लगा दिया जाए तो कहता है यहां पर हजारों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, हजारों श्रमिकों का पेट भरेगा, भरण पोषण होगा, ठीक है, और देश जो है उन्नति करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो देश द्वितीय तृतीय क्रिया कार्यों के अंदर जितना अधिक मात्रा में वहां पर काम कर रहे होंगे व्यक्ति, तो कहता है वहां पर उसका उस देश का विकास जो है वो अधिक होता है, ठीक है। लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए जो देश होते हैं उनका विकास कम होता है, ठीक है। तो यह था आज का अपना टॉपिक जिसके अंदर हमने द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्या होता है, विनिर्माण उद्योग क्या होता है उसके बारे में जाना, और जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग लगाए जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये अपना अच्छा एक टॉपिक है। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब टॉपिक वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी बुक पढ़िए और अपना टॉपिक खुद तैयार करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी बनी, अगर इसमें कोई सुधार की जरूरत हो तो मुझे वो फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।